दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए, हम बात करने वाले अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और साथ ही साथ आप लोग क्या करना है, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, पीडीएफ की बात करते हैं, पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ देंगे, पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी, कहाँ पर, एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे, पार्ट 12 और 13 के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोबेंजीन को आप क्या कहेंगे, कशिस का तेल, मिर्वेन का तेल, या सिनेमन का तेल, या विंटर गीन का तेल। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आंसर मिलने वाला है मिर्वेन का तेल। क्या कहते हैं, मिर्वेन का तेल इसे कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को किसे का, क्या कहते हैं, मिर्वेन का तेल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद बनता है। यदि हम नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अगर अपचयन करेंगे तो अंतिम उत्पाद हमारा क्या बनेगा। चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एनिलीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, पी अमीनोफिनाल, या एजोबेंजीन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनिलीन, क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन की अभिक्रिया नहीं देती है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो, ऐसी कौन सी अमीन है जो कार्बिल अमीन की अभिक्रिया नहीं देती है, ऐसी कौन सी अमीन है जो कार्बिल अमीन की अभिक्रिया नहीं देती है। तो यहाँ पर देखिए, चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से ऑप्शन है देखिए, CH3CH2NH2, या CH3NH2, या CH3NH3, या C6H5NH2। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3NH3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। एनिलीन के ब्रेमिनन से प्राप्त होता है, तो एनिलीन का जो ब्रेमिनन है उसे प्राप्त क्या होता है, मोनोब्रोमो एनिलीन, या बेंजीन नाइट्राइल, या यस ट्राई ब्रोमो एनिलीन, या बेंजीन आइसो नाइट्राइल। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, एस ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, यस ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्लोरोएथेन से एन डाई एथिल एथेनामीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, क्या लिखना है, क्लोरो एथेन से एन डाई एथिल एथेनामीन बनाने का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, चलिए आंसर आपको हम बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, C2H5Cl ये हमारा क्या है, क्लोरोएथेन है, क्या है, क्लोरोएथेन है। इसकी क्रिया NH3 की उपस्थिति में करते हैं, किसकी उपस्थिति में, NH3 की उपस्थिति में करते हैं। तो देखिए, बनने क्या वाला है हमारा, C2H5NH2 C2H5Cl बनेगा, क्या बनेगा, C2H5NH2 और C2H5Cl, जिसे आप क्या कहते हैं, एथिल एमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एथिल एमीन कहते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, आगे देखिए, आगे क्या बनेगा, यहाँ पर आगे क्या बनेगा, इसकी क्रिया जब C2H5Cl के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, C2H5NH C2H5N, तो बनेगा क्या, C2H5Cl, क्या बनेगा, C2H5Cl बनेगा। ठीक है, नहीं, ये आपका बनेगा एन एथिल एमीन बनेगा, क्या बनेगा, एन एथिल एमीन बनेगा, और पुनः इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, C2H5Cl के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा, C2H5N C2H5 और C2H5। ठीक है, ये आपका बनने वाला, जिसे आप क्या कहते हैं, NN डाई एथिल एथेनामीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एन डाई एथिल एथेनामीन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में हुआ प्रश्न है। देखिए, प्रश्न क्या है, इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, जो इंसुलिन होता है उसके जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा। ठीक है,
तो जो इंसुलिन होता है उसके जल अपघटन समय क्या मिलेगा, चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज था फ्रक्टोज या लैक्टोज। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिस भी बच्चे को मालूम हो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शर्कराएं एवं अशर्कराएं क्या है, शर्कराएं एवं अशर्कराएं क्या है। तो शर्कराएं एवं अशर्कराएं क्या है, इनके भौतिक गुण तथा प्रत्येक के दो उदाहरण आपको देना है, ठीक है। तो चलिए शर्कराएं के बारे में बात कर लेते हैं, तो वे कार्बोहाइड्रेट, क्या वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं, क्या होते हैं, जो स्वाद में मीठे तथा जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, शर्कराएं कहलाते हैं, क्या कहलाती हैं, शर्कराएं कहलाती हैं। शर्कराएं सामान्यतः क्रिस्टलीय होती है, क्या होती है, क्रिस्टलीय होती है, जो शर्कराएं होती है सामान्यतः क्या होती है, क्रिस्टलीय होती है। सभी मोनोसेकराइड तथा ऑलिगोसेकराइड स्वाद में मीठे होते, जो सभी क्या होते हैं, मोनोसेकराइड होते हैं तथा ऑलिगोसेकराइड होते हैं, वो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अतः मोनोसेकराइड तथा ऑलिगोसेकराइड सामान्यतः शर्कराएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, सामान्यतः शर्कराएं कहलाती हैं। उदाहरण तौर पर अगर हम देखें तो उदाहरण तौर पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशर्कराएं स्वाद रहित पॉलीसेकराइड जो जल में अविलेय होते हैं, क्या होते हैं, जो जल में अविलेय होते हैं। अशर्कराएं क्या होती है हमारी, स्वाद रहित होती हैं, पॉलीसेकराइड होती हैं, जो जल में क्या होती हैं, अविलेय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशर्कराएं कहलाती हैं, अशर्कराएं क्या होती हैं, सामान्यतः अक्रिस्टलीय होती हैं, क्या होती हैं, अक्रिस्टलीय होती हैं। उदाहरण तौर पर अगर हम देखें तो स्टार्च, सेलुलोज आदि, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मोनोसेकराइड है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो मोनोसेकराइड है, ठीक है। तो चलिए चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज और फ्रक्टोज। यहाँ पर आंसर की बात करें, आंसर आप सभी को देना है इसका भी, तो आप सभी को इसका आंसर जरूर जरूर देना है, ठीक है, कि निम्न में कौन है जो मोनोसेकराइड है, ठीक है, इसका भी आंसर आपको देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रक्टोज फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, जो फ्रक्टोज होता है फेलिंग विलयन को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, जबकि उसमें कीटोन समूह होता है, क्यों, ठीक है। जो फ्रक्टोज होता है क्या होता है, फेलिंग विलयन को क्या करता है, अपचयित कर देता है, जबकि उसमें क्या होता है, कीटोन समूह होता है, क्या होता है, कीटोन समूह होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, क्या होता है, कीटोन समूह होता है, परंतु फिर भी यह फेलिंग विलयन तथा, परंतु यह फिर भी क्या देता है, फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, क्या कर देता है, ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो फ्रक्टोज होता है वो कीटोन समूह होता है, परंतु फिर भी यह फेलिंग विलयन को क्या कर देता है, टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है, जिसको इनोलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज का क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है, टॉलिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। टॉलिन अभिकर्मक के साथ जो ग्लूकोज है कैसे अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी आपको देना है इसका, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ये देखिए हमारा क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र है, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र है। यहाँ पे देखिए CHO, हम आप कार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 7 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए 1, 2, यानी अगर हम देखें तो 1, 2, 3, ठीक है, 3, 3, 6 आपको कार्बन देखने को मिलेंगे, और ऑक्सीजन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8, 8 और 1, 9 और 1, 10 और 12, 11, 12 आपको, यानी कि C6
H12O6 आपको इसका सूत्र देखने को मिलेगा ग्लूकोज का, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसी में क्या था, टॉलिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया आपको देनी थी। तो ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक यानी कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। क्या कर देता है, ग्लूकोज को क्या करता है, टॉलिन अभिकर्मक के साथ की अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या करता है, सिल्वर दर्पण में क्या कर देता है, सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए CHO क्या, CHO CHOH का फुल फॉर्म CH2OH, ये आपको क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, जिसे टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं, Ag2O क्या होता है, Ag2O होता है। ठीक है, अगला देखिए, इसको जब गर्म करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो बनेगा क्या, CHOH का होल फोर, क्या बनेगा, CHOH4 का होल फोर, COOH और C2OH बनेगा और प्लस 2Ag का अवक्षेप बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है, जो मानव शरीर है इसके लिए वसा का क्या महत्व है, तो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, वसा जो शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है, शरीर क्या, कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। ठीक है, तो मानव शरीर के लिए वसा का क्या कार्य होता है, वसा कार्य यही होता है कि मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर की बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रक्टोज फिलिंग विलयन को अपचयित कर देता है जबकि उसमें कीटोन समूह होता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है परंतु फिर भी यह फिलिंग विलयन को टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, इसका मुख्य कारण यह है कि क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है जिसको इनोलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण आपको देना है। ठीक है, तो इनुलिन क्या होता है, डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। जो इनुलिन है, डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। इनुलिन को तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। क्या बनता है, फ्रक्टोज जो है अत्यधिक मात्रा में यहाँ करें या औद्योगिक मात्रा में बनता है। तो C6H10O5 की होल पावर एन, इसे आप क्या कहते हैं, इनुलिन कहते हैं और प्लस NH2O, इसे तनु H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NC6H12O6, जिसे आप क्या कहेंगे, फ्रक्टोज कहेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।